Rajiv Farooq Accord 86-87 was the creation of Milton C in Kashmir. कश्मीर का कोई भी बच्चा ना गन लेकर पैदा हुआ है ना पत्थर लेकर पैदा हुआ है. ये पत्थर और गन अगर दिया है तो डॉक्टर फारूक साहब ने दिया है कश्मीर के हाथ में. जो डॉक्टर फारूक साहब अब आजकल अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है दिल्ली में बैठ के हर चैनल पर झूठ बोल रहा है. जब यहां पर डॉक्टर फारूक साहब ने 18 तक रायता बिखेर कर रख दिया, उसके बाद 18 तारीख को उसने रिजाइन कर दिया, 19 तारीख को दिल्ली में कैबिनेट बैठी, 19 को कैबिनेट में बैठने के बाद 20 तारीख के लिए उस वक्त के गवर्नर को जम्मू बुलाया गया, जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने ज्वाइन कर दिया. 20 तारीख रात को 21 को वो कश्मीर में आए. तब तक कश्मीरी पंडित सब माइग्रेंट यहां से होके गए थे और कश्मीर में डॉक्टर फारूक ने पूरा रायता बिछोड़ के रखा था. अगर किसी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर स्पाइन दिखानी है हिंदुस्तान को तो स्पाइन दिखाए. आज डॉक्टर फारूक को अरेस्ट करे, जिसकी वजह से चाहे जो भी आज अंदर है, जो भी कश्मीर में कत्लगारत हुआ है, शेख साहब को लोग जो भी बोले, बट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बहुत बड़े लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर थे. उन्होंने कश्मीरी मुसलमान के हाथ में कलम देने का काम किया. डॉक्टर फारूक साहब ने अपनी सीट के लिए कलम लेकर गन देने का काम कर दिया, गन और पत्थर कश्मीरी कौम के हाथ में दिया. आपको यह सुनकर बड़ा दुख होगा, खाली कश्मीर में ही नहीं, 82-83 में मेरे पास फोटो है भिंडरांवाले के साथ वो पंजाब में क्या कर रहे हैं. जो भिंडरांवाले ने इंदिरा जी को मारा, एक साल पहले डॉक्टर फारूक साहब पंजाब में जाकर भिंडरांवाले के साथ बैठे हैं. आपके पास भी वीडियो आए होंगे, सब वीडियो में उसमें क्लियरली बोला जाता है डॉक्टर फारूक और भिंडरांवाले बात कर रहे हैं. मसला है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर गलत था, ऑफकोर्स ही वॉज इन्वाइटेड बाय भिंडरांवाला, इन्वाइटेड बाय भिंडरांवाला, ही वॉज इन गोल्डन टेम्पल. आई हैव फोटो, आई कैन शो यू. तो इट इज द वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर था, हमारा जो चीफ मिनिस्टर था, उसने कश्मीरी कौम के साथ खिलवाड़ किया. अभी आगे सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, पर्टिकुलरली यूथ्स, हम लोगों को साथ में एक एजेंडा होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर एंड पर्टिकुलर कश्मीर वैली में हम लोग इलेक्शन की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, तो हम लोग एक डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आए. वो डेवलपमेंट का एजेंडा कोई हवा हवाई नहीं होना चाहिए, वो फैक्ट्स और फिगर्स वाला होना चाहिए, जिस पर हम लोग काम करें, जिसके माध्यम से हमारे यहां से आज 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ्स है. अनएम्प्लॉयड यूथ अगर है तो वो सब फ्रस्ट्रेटेड लॉट हो चुका है. यहां पर ड्रग इतना पीक पर आ चुका है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अनएम्प्लॉयमेंट. लेट मी कंप्लीट, वो कंप्लीट इन सब प्रोसेस के लिए हमें ग्राउंड जीरो पर काम करने की जरूरत है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं यहां से गुजारिश करना चाहता हूं, अकाउंटेबिलिटी कमीशन बहुत डिपार्टमेंटों में लगाने की जरूरत है. यहां पर स्कीमें आती है, हम नहीं कहते हैं स्कीमें नहीं आती है, यहां हाउसिंग बोर्ड में स्कीमें आई. अभी 4 दिन पहले मेरे पास बहुत ऐसे लोग आए जिनको बेचारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से 1,66,000 रुपए हाउसिंग लोन मिलता है, जो सब्सिडी मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. और एक सेकंड, एक लेट मी कंप्लीट ना. उसके बाद अनफॉर्चुनेटनेस है कि वहां के इंजीनियर्स वो पैसा उठा के अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देते हैं. उस पर जब तक अकाउंटेबिलिटी कमीशन नहीं होगा, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी, तो गरीब आदमी को कहां से फैसिलिटी मिलेगी, कहां से उसको पावर मिलेगी, कहां से उसको उन स्कीमों का फायदा मिलेगा. जब तक आप ग्राउंड जीरो पर उन स्कीमों के माध्यम से फायदा नहीं पहुंचाएंगे, तो गरीब आदमी ऐसे ही मुंह खोलता रहेगा. ना हम उसको अपने देश के प्रति वफादार बना सकेंगे, ना हम अपने स्टेट के प्रति उसको वफादार बनाएंगे.